इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और हर रोज मैं आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आता रहता हूं वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं देते हैं। हमारा काम होता है आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी देना। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी लेके आना है, ना कि किसी भी कंपनी में आपको जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी जुड़ने से पहले या निवेश करने से पहले उसकी से छानबीन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम आपको पहले से सावधान करते हैं। दोस्तों अगर आपने डिस्क्लेमर ध्यान पूर्वक देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त आज हम आपको बिग डैडी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आपको ये बतलाने वाला हूँ कि बिग डैडी गेम में आप रिचार्ज कैसे करेंगे, यानी कि डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो जैसा कि दोस्त हमने डिपॉजिट पर आया, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ये पेज खुलती है तो यहाँ पर हमने UPI पर क्लिक करेंगे और इस पर सुपर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1K यानी कि 1000 हमको करना है तो 1000 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो सामने QR कोड आया खुल के, इसको हम स्क्रीन शॉट ले लेंगे। स्क्रीन शॉट लेने के बाद इसको हम फिर से जो है ना अपने UPI में यानी कि पेटीएम या गूगल पे या पे फोन से हमको करना है तो पे फोन में जो है ना पेटीएम से करेंगे तो पेटीएम खोलें और यहाँ पर हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है ना इसको जैसे आएगा इसका नंबरिंग ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्त कि हमने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद 1000 को हमने सब पे किया तो 1000 हमने जो है ना इसको पे किया तो पे करने के बाद ये जैसे ही उठा लेता है, ये पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो सक्सेसफुल होने के बाद हमको कुछ सेकेंड तक वहाँ पर आराम से रुकना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि देखिए ये पे हो गया, ये पे हो रहा प्रोसेस में लग गया है और ये प्रोसेस पेमेंट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त कि ये पेमेंट हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये UTR को जो है ना हमको कॉपी कर लेना है। UTR को हम कॉपी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो अब फिर से हम अपना ID खोलें। ID खोलने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और ये तो ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर नहीं ऑटोमेटिक उठाता तो हम क्या करते कि यहाँ पर हम पेस्ट करते उसके बाद हम सबमिट करके यहाँ पर कुछ देर रुकना है, कम से कम 1 मिनट रुकना है, ठीक है। और 1 मिनट रुकने के बाद बैक होना है। अगर आप पहले बैक हो जाते हैं तो वो पेमेंट फंस भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहले बैक नहीं होना है। अब कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर 1 मिनट, उसके बाद जब 1 मिनट हो जाएगा तो हम बैक हो जाएंगे तो ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक उठा लिया है तो इसका मतलब है कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। फिर भी हम थोड़ी देर रुककर और उसके बाद अब हम बैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त हम बैक करते हैं और हम अपने ID पर पुनः जो है ना गए। देखिए दोस्त यहाँ पर 1000 रुपया मेरा आ चुका है, ठीक है। 1000 रुपया मेरा आ चुका है। तो इस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे और बारीकी से पेमेंट, बढ़िया तरीका से पेमेंट करेंगे तो आपका नहीं फंसेगा, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं दोस्त। तब तक लिए मनोज को दीजिए इजाज़त।